हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल रूट इंजीनियर। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू प्लेलिस्ट, उसका नाम है कमांड लाइन बेसिक्स फॉर लिनक्स और विंडोज यूजर्स। तो आप सबको पता है कि कमांड लाइन हमारे टास्क बहुत सिंपल और ऑटोमेट करने के लिए यूज होती है। तो ऐसे ही कुछ कमांड लाइन्स हम सीखेंगे विंडोज और लिनक्स के साथ में। जैसे कि कुछ टास्क है हम ग्राफिकल एनवायरमेंट में कर सकते हैं, उतना फास्ट हम नहीं कर सकते या फिर उन चीज़ों को ग्राफिकली हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, लेकिन बैश स्क्रिप्टिंग के साथ या फिर वीबी स्क्रिप्टिंग के साथ हम कमांड लाइंस को ऑटोमेट कर सकते हैं, हमारे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें और कमांड लाइन बेसिक्स हम इस सीरीज में सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट से विंडोज़ के। तो हर एक फाइल और फोल्डर एक डायरेक्टरी में स्टोर रहता है, वो हायरार्किकल डायरेक्टरी होती है। सबसे टॉप पे रूट होता है, बाद में पैरेंट डायरेक्टरी और बाद में उसके अंडर चाइल्ड डायरेक्टरी होती है। हर एक फाइल सिस्टम को एक ड्राइव लेटर विंडोज में असाइन किया जाता है, और जो विंडोज में ड्राइव लेटर होता है वही रूट डायरेक्टरी होती है या फिर रूट होता है हमारे फाइल सिस्टम का। तो मोस्टली विंडोज में फाइल्स और फोल्डर्स का पाथ ऐसा होता है, c:\users\pradeep\desktop, वे सिंपल। और उसके बाद में जो भी फाइल का नाम आएगा वो उस फाइल का डायरेक्टरी पाथ होगा रूट से। तो c:\backslash ये रूट होता है। backslash विंडोज में यूज होता है और \\forward\ लिनक्स में यूज किया जाता है फाइल्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये चीज हम ग्राफिकल एनवायरनमेंट में देखते हैं। तो अपना माय कंप्यूटर ओपन करते हैं, दिस पीसी में जाते हैं, ये हमारी सी ड्राइव यूजर्स प्रदीप डेस्कटॉप। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं डेस्कटॉप पे। आप यहाँ पर डायरेक्टरी का पाथ देख सकते हैं, लोकल डिस्क सी यूजर्स प्रदीप डेस्कटॉप, बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर क्लिक करके आप उसका पूरा पाथ देख सकते हैं, जैसे कि c:\users\pradeep\desktop। यहाँ पर मेरा एक फोल्डर है और एक फाइल है, माय कैट पिक्चर्स ये मेरा फोल्डर है और माय फाइल ये मेरी फाइल है। तो फाइल सिस्टम हमारे फाइल्स और फोल्डर्स का पाथ मेंटेन करने के लिए होता है। तो हर एक फाइल सिस्टम को यहाँ पर ड्राइव लेटर असाइन किया होता है और वो ड्राइव लेटर हमारा रूट होता है। तो यहाँ पर रूट है c:\backslash। चलिए हम देखते हैं माय फाइल्स की प्रॉपर्टीज कैसे चेक करते हैं। तो सिंपली मैंने माय फाइल पर राइट क्लिक किया और लास्ट में प्रॉपर्टीज पर क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल का नाम, डिफॉल्ट एप्लीकेशन ओपन करने के लिए उसकी लोकेशन, साइज ऑन डिस्क, एक्चुअल साइज, क्रिएटेड मॉडिफाइड एक्सिस, ये कुछ एट्रीब्यूट है। यहाँ पर एट्रीब्यूट है हिडन। डिटेल्स में अगर जाएंगे तो हमें सेम एक एब्स्ट्रैक्ट में देखने को मिल गया। यहाँ पर आप वर्जनिंग टैब में वर्जन्स फाइल के मेंटेन कर सकते हैं। सिक्योरिटी टैब में हम अभी नहीं जाएंगे, उसको बाद में देखेंगे। विंडोज़ में ऐसी कुछ फाइल होती है जो यूजर को नहीं दिखती है और हिडन होती है। ये कुछ विंडोज़ की या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हो सकती है या फिर यूज़र खुद ने हाइड की गई फाइल होती है, जैसे कि यूजर चाहता है कि ये फाइल्स नॉर्मल यूजर ना देख पाए। तो चलिए उन फाइल को हम कैसे देख सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया व्यू पे और यहाँ पर हिडन फाइल्स आइटम ये ऑप्शन है। तो हिडन फाइल्स ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए सीक्रेट नाम की एक फाइल दिख रही है, और इसमें प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट देखिए यहाँ पर हिडन पर टिक हुआ है। तो ये होती है हिडन फाइल्स। तो बाद में हम जाकर इसे फिर से अनचेक कर देते ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये होती है हिडन फाइल्स। तो चलिए सिंपली हमने देखा ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में, और अब हम देखते हैं कमांड लाइन एनवायरनमेंट में। तो हम सिंपली प्रोग्राम का यूज करेंगे विंडोज पावर सेल का। दो प्रोग्राम रहते हैं विंडोज में, CMD और विंडोज पावर सेल। तो हम सिंपली पावर सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें अपने ऐप्स में विंडोज पावर सेल सर्च करना है। ये देखिए यहां पर ओपन कर दिया। तो मोस्टली विंडोज में जो कमांड होती है वो एलियाज होती है। एलियाज मतलब सेम नाम कमांड जैसा, जैसे कि कमांड की कोई जो एक्शन है उसके रिलेटेड कोई नाम हमें कमांड को दिया जाता है, तो एलियाज जैसा नाम होता है। या फिर लिनक्स और विंडोज में काफी कुछ कमांड सेम जैसे होती है। लिस्ट डायरेक्टरीज करने के लिए हम सिंपली डाल देते हैं ls कमांड, जो कि लिनक्स और विंडोज में सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, लिंक्स। तो ये हमारे कुछ पाथ है। ls c:\backslash सी ड्राइव की जो फाइल्स है वो हमें दिखनी स्टार्ट हो गई। तो प्रोग्राम फाइल्स में हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, प्रोग्राम फाइल्स x86 में 32-bit के प्रोग्राम्स रहते हैं। यूजर्स में हर एक यूजर्स का यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है, और विंडोज में हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहती है।
तो यहाँ पर हम कमांड लाइन के लिए हेल्प ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, गेट आइफन हेल्प ls। तो यहाँ पर सिंपली इन शॉर्ट ls कमांड के लिए हेल्प शो हो गई है। अगर हमें फुल हेल्प चाहिए तो गेट हेल्प हाइफन फुल और कमांड नाम ls। तो देखिए यहाँ पर हमें फुल जो हेल्प है वो मिल गई हमारे एग्जाम्पल के साथ। अगर हमें हिडन फाइल शो करनी है तो एट्रीब्यूट है हाइफन फोर ls हाइफन forc। ओके ls हाइफन फोर्स c कोलन backslash। तो जो सी ड्राइव की फाइल से हिडन के साथ वो हमें दिख गई, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसाइकल बिन, जो हमारी फाइल डिलीट होती है वो पहले रिसाइकल बिन इस फोल्डर में जाती है, वो कि नॉर्मल यूजर से हिडन रहता है। तो रिसाइकल बिन कुछ और भी फाइल्स हमें शो हो गई, जैसे कि सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर जो फाइल सिस्टम के जो ट्रैक्स होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन रिकवरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से होती है। तो ये कुछ हिडन फाइल्स होती है विंडोज़ में जो हमें फोर्स एट्रीब्यूट के बाद दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो पावर शेल क्लियर करने के लिए हम कंट्रोल एल का या फिर क्लियर कमांड का यूज लेते हैं। तो ये देखा हमने विंडोज के लिए लिस्ट डायरेक्टरीज फॉर ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट एंड कमांड लाइन एनवायरनमेंट। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स एनवायरनमेंट के लिए लिस्ट डायरेक्टरीज कैसे की जाती है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और रिमेंबर दैट यू कैन डू एनीथिंग। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।